हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम आशी है और आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी। तो फटाफट से भिंडी ले ली है मैंने, और सारी भिंडी लेने के बाद अब भिंडी को अच्छे से आप लोग वॉश कर लीजिएगा। खूब अच्छे से भिंडी को धो के कपड़ों से पोंछ लीजिएगा, उसके बाद उसको कट करिएगा। मैंने यहाँ पे भिंडी लेके उसको अच्छे से साफ कर लिया था, उसके बाद अब हम भिंडी को कट करेंगे। तो सबसे पहले भिंडी के आगे और पीछे का पार्ट आपको कट करना है, और भिंडी को फिर बीच में से हम काट लेंगे। मसाला भिंडी बनाने के लिए हम लंबी लंबी भिंडी कट करेंगे, गोल भिंडी नहीं काट। तो आगे और पीछे का जो पार्ट होता है भिंडी का, उसको हम हटा देते हैं काटते टाइम, और भिंडी को बीच में से कट कर लेते हैं। तो ऐसे ही करके मैं सारी भिंडी कट करूंगी। और जब आप बीच में से कट करें तो आप भिंडी ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि भिंडी ख़राब तो नहीं है, क्योंकि अगर बीच में से भिंडी काली है या फिर ख़राब है तो यानी कि वो भिंडी काढ़ी है, तो आप उसको साइड में हटा दीजिएगा। या फिर जो भी भिंडी कटने में दिक्कत करे, टाइट कटे, तो उसको मत काटिएगा, क्योंकि वो पकी हुई भिंडी होती है और वो गलती नहीं है। तो उस भिंडी को भी आप साइड में कर दीजिएगा। तो ऐसे ही चेक करके हम सारी भिंडी कट कर लेंगे। आगे पीछे का पार्ट हटा के भिंडी को आपको बीच में से कट करना है अच्छे से। और सारी भिंडी कट करते टाइम आपको ज़रूर चेक करनी है, अगर भिंडी अंदर से काली है यानी कि वो भिंडी ख़राब है। और वो भिंडी आपकी देखिए, जैसे कि ये ऊपर से काली थी तो मैंने इसको बिल्कुल हटा दिया, जो इसका नीचे का थोड़ा सा पार्ट सही था बस वो ले लिया, बाकी ऊपर का जो भी काला काला पार्ट था वो मैंने हटा दिया। तो सारी भिंडी मैंने कट कर ली है, देखिए बिल्कुल एकदम आपको कोई भी भिंडी ख़राब नहीं दिखेगी इसमें। और फटाफट से ये लंबी लंबी सारी भिंडी मैंने काट ली है। अब गैस पे हमने रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई को गर्म होने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा तेल। तो फटाफट से यहाँ पे आप लोग भी 2 बिग टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि हमें मसाला भूनना है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 बिग टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिएगा, उसके बाद ही हम इसमें मसाला डालेंगे। अगर आप लोग ठंडे तेल में मसाला डालते हैं तो आपका मसाला कच्चा रह जाएगा और आपकी फिर भिंडी की सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। तो तेल जब खूब अच्छे से गर्म होगा, उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 प्याज को लेके पीस लिया है। आप भी 3 प्याज लेके उसे अच्छे से पीस लीजिए मिक्सी में डाल के, और उसके बाद जब तेल गर्म हो जाएगा तब आपको इसमें जो आपने प्याज ग्राइंड करी थी उसको आपको तेल में ऐड करना है। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करा है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करा है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड चिल्ली पाउडर ऐड करा है, उसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करा है मैंने, उसके बाद मैंने सॉल्ट आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जीरा ऐड करा है। तो गाइज ये सारे मसाले डालने के बाद आप लोग ये ध्यान रखिएगा, मिर्च और नमक ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आप जितना खाते हैं उतना ही डालें। नमक जितना यूज़ करते हैं आप उतना डालें, और मिर्च जितनी आप खा सकते हो उतनी डालें। सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो खूब अच्छे से लो फ्लेम पे सारे मसाले भून लीजिएगा उसको अच्छे से चला के। कच्चे मसालों में भिंडी की सब्जी ऐड मत करिएगा, नहीं तो वो अच्छी नहीं बनेगी। पहले खूब अच्छे से लो फ्लेम पे आपको मसाला भूनना है। जब मसाला आपका खूब अच्छे से भून जाए, उसके बाद जितनी भी भिंडी की सब्जी आपने कट करी थी भिंडी, वो आप इस मसाले में ऐड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे सारी भिंडी मसाले में अच्छे से ऐड कर दी है, और ऐड करने के बाद जब आप भिंडी इसमें मसाले में डाल देंगे उसके बाद इसे अच्छे से चला दीजिए, जिससे कि मसाला और भिंडी आपस में खूब अच्छे से मिल जाए, और जितनी भी भिंडी है वो मसाले में खूब अच्छे से मिल जाए, और बहुत ही अच्छी मसाला भिंडी बन के तैयार हो जाएगी। तो गाइस देखिए, मैं खूब अच्छे से इसको चला रही हूँ, आप भी खूब अच्छे से ऐसे ही मसाले में भिंडी मिक्स कर दीजिएगा, चला दीजिएगा। और धोके से भी भिंडी में आप लोगों को पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि भिंडी की सब्जी में पानी नहीं डालते हैं, हमें इसे सिर्फ भाप में बनाना है। तो कोई भी गलती से भी हल्का सा भी पानी ना तो मसाले में और ना ही भिंडी में डालें, क्योंकि भिंडी में अगर पानी हल्का सा भी होता है तो वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए विदाउट वाटर हम लोग यहाँ पे सब्जी बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने खूब अच्छे से मसाले में भून दी है भिंडी, आप देख सकते हो। और मिक्स होने के बाद अब हम इसे ढक देंगे, ढकेंगे हम इसे 5 मिनट के लिए। उसके बाद देखिए बढ़िया लबाबदार मसाला भिंडी बनकर तैयार हो गई है। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को व्हाट्सएप पे, और इसका लिंक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और गाइज अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए बेल आइकन को आपको क्लिक करना है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप लोग मुझे जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर सच हेल्दी रेसिपीज एंड कंटेंट्स।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।